Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तालीम एंड तरबिया में खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का पहला चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में है क्या। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले तो आप ये देखें कि भाई नंबर जो हमारे पास नंबर होते हैं वो किस लिए होते हैं। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई नंबर होते हैं, कितनी भी है। नेचर को मेजर करने, नेचर में जितनी भी चीज़ें उसको मेजर करने के लिए हमारे पास नंबर यूज़ होते हैं। अब नंबर जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास रियल नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जैसे हमारे पास 1, 2, 3, फिर हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाते हैं 3/2, 6/5 या -2। ये हमारे पास सारे क्या है? रियल नंबर है। अब जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उनको हम इमेजिनरी यानी सपोज कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, x² + 1 = 0, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं कि x² को इस तरफ रख लेते हैं, प्लस वन उस तरफ गया तो हमारे पास क्या हो जाता है? -1। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिए यानी स्क्वायर रूट ले लिया हमारे पास, तो x² = -1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास स्क्वायर इससे कट गया हमारे पास ये स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? -1 बच गया। अब हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल है? √-1 के। अब जब आप अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, √-1 लिखें, तो वहाँ पे एरर आ जाता है यानी ये सॉल्व नहीं होता। तो हमने क्या किया कि इस नंबर को हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास √-1 है, ये किसके इक्वल है? हमारे पास आयोटा के इक्वल है। आयोटा हमारे पास किसके इक्वल है? -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं, यानी एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, उसको हम आईपी से नोट कर लेते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास, एक इमेजिनरी पार्ट होता है और दूसरा होता है रियल पार्ट, उसको आरपी से नोट कर लेते हैं। अब इनके दरमियान हमारे पास एडिशन भी होती है, सब्सट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है और डिवीजन भी होती है। इसके बाद हम इसका मॉडुलस लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं, तो इस सारे चैप्टर में जो है हम यही पढ़ेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास दो नंबर्स की यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपस में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3+4i। अब हमारे पास क्या है? ये एक नंबर है, वैसे ही हमारे पास इक्वेशन है। तो अब हमारे पास इसमें ये जो है, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो सेकंड पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। अब इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें दो इक्वेशन दी जाती हैं ऐसे कि इनको प्लस करें, इनको माइनस करें, इनको डिवाइड करें, इनको मल्टीप्लाई करें, तो उनको कैसे करेंगे हम, वो हम पढ़ेंगे आगे। आप इस इंट्रोडक्शन को देख लें, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इसको नोट करें।